नमस्कार मित्रों, मैं सुमित चौरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल स्टडी वायर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर, घातांक और करणी। ठीक है, मैथ्स का एक चैप्टर होगा आज, घातांक और करणी, इसका ये पहला पार्ट है। और मित्रों, हम इस चैप्टर के अंतर्गत वह सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मित्रों, इसमें जो कुछ टफ क्वेश्चन होंगे उनकी सीरीज एक अलग से आएगी टफ क्वेश्चन के नाम से। तो मित्रों, हम इसमें कुछ जो रूल होते हैं, सबसे पहले रूल को देख लेते हैं कि घातांक करणी में कुछ रूल होते हैं और रूल क्या क्या होते हैं। तो सपोज आपको दिया हो कि a इंटू ए, तो हम नॉर्मल इसको बोल सकते हैं कि ये a का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a इंटू a का स्क्वायर हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि a इंटू a इंटू a, मतलब a का मल्टीप्लाई 3 times हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि a की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे और आगे देखें तो हम इसको a into a into a, मतलब ये हो रहा है कि यहाँ अगर आप देखोगे तो पावर 1 थी, यहाँ पावर देखोगे तो 1 थी। जब आधार समान थे तो हमने क्या करी, इन घातों को जोड़ दी, तो घात हो गई 2, पावर 2 हो गई। यहाँ पावर 1 और पावर 1 कर दी, तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, पावर 3 हो गई। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता पावर 2 कर देते, पावर 3 कर देते, पावर 5 कर देते, तो हम देखते कि हमने अभी ऊपर देखा कि a into a, आप बेसिकली जानते हैं कि a स्क्वायर होता है, तो वैसे हमने इसको भी सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जब बेस इक्वल हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पावर a की पावर कितना जाएगा, 10। तो मित्रों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए कि a की पावर m प्लस सॉरी इंटू a की पावर n बराबर से होता है a की पावर m प्लस n। एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, मतलब आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये आप फर्स्ट रूल है, याद रखिएगा। सेकंड रूल देखते हैं, यदि यहां आपको दे दिया जाए कि a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहेंगे कि 5 की पावर 3 दिया है और यहाँ दे दिया हमने 5 का स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि 5 की पावर 3 मीन्स हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय, और 5 स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना, 5। तो इसको अगर हम बेसिकली मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जब ये आधार है बटे वाली राशि डिनोमिनेटर, तो 5 की पावर 3 तो था, जब बटे वाली राशि को अंश में ले जाया जाता है, अंश में अगर हम इसको ले जाना है तो ये जाती है मल्टीप्लाई में, किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 5 का 5 रहेगा और पावर 2 थी, तो क्या होता है कि जब बटे की राशि अंश में जाती है, डिनोमिनेटर की राशि न्यूमरेटर में जाती है, तो पावर का चिन्ह बदलता है, क्या होता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, अभी हमने फर्स्ट रूल देखा कि आधार समान थे तो घाते क्या हो जा रही थी, जुड़ जा रही थी। अगर हम पावर जोड़े तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 2 और आगे सॉरी 5 की पावर 3 माइनस 2 और आगे सॉल्व करोगे तो हो कितना जाएगा, 5 की पावर 1, तो आंसर कितना आ रहा है, 5। मतलब ये जो आपका रूल दे रखा है कि a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि a की पावर हो क्या जाएगा, 5 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा a की पावर 2। मतलब रूल हमारा ये है, सेकेंड रूल, कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, सेकेंड, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं कि सपोज आपके पास ऐसा दिया हो कि a बटे b और पूरे दी पावर लिख दिया m, तो ये इक्वल होता है b अपॉन a पूरे दी पावर माइनस m के। ठीक है, यदि a बटे b या a अपॉन b दी पावर m, तो ये इक्वल होता है b अपॉन a, मतलब ये यहाँ अपोजिट हो जाएगा, तो b अपॉन a पूरे दी पावर माइनस m के इक्वल होता है। ठीक है मित्रों, तो हम चीजों को समझते समझते और रूलों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, सबसे बेसिकली होता है कि यदि हमको एक कोई क्वेश्चन दिया हो और आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, डेफिनेटली कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको सारी चीजें बनने लगेगी। इसमें बेसिक भी सारी चीजें कवर कराई जाएगी कि लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व हो रहा है और शॉर्ट से कैसे, और हमको एग्जाम में इसके साथ कैसे डील करनी चाहिए। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन हमको दिया है कि 7 7 7 और ये दिया है इन्फिनाइट तक,
और यदि आप इसके आंसर की बात करें कि इस पूरे का सॉल्यूशन क्या होगा, तो मित्रों इसका आंसर आ जाएगा 7, मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या 7। कब होना चाहिए, जब ये कि अंडररूट 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 कहां तक हो, इनफिनाइट तक हो, तो ही ये पॉसिबल है। सेकंड इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका बेसिक समझते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। यदि हमने यहां लिख दिया 5 अंडररूट 5 अंडररूट 5 अंडररूट 5 और ये भी हो जाता है कहां तक, इनफिनाइट तक, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो आ रहा होगा तो आंसर आ जाएगा कितना 5, मतलब यहां जो बेस सेम है वही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें कोई सीरीज इनफिनाइट तक हो तो उसका आंसर खुद वह होता है जो इसका बेस दिया है, ठीक है। तो आइए इसका बेसिक समझते हैं कि हम ऐसा इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करा आपके साथ कि अंडररूट 7 और अंडररूट 7, आप कोशिश कीजिए कि इस बेसिक को बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, हम उसमें इन चीजों के कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है कि अंडररूट 7 अंडररूट 7 अंडररूट 7 कहां तक, इनफिनाइट तक। यदि हम इस पूरे को x के इक्वल मान ले, किस इक्वल मान ले x के इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इस पूरे का मान होगा, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो x होगी, और जो x का मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, डू द स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें अभी जो पैड से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरे हाथ बैठे हुए नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी लिखने में, तो जो चीजें कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ आप इसे समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, डू द स्क्वायर बोथ साइड, जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करूंगा तो यहां हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा 7 अंडररूट 7 अंडररूट 7 और यह है इनफिनाइट तक और पूरे दी पावर 2। तो आप इतना पढ़ा होगा कि पावर के ऊपर पावर है, पावर कट जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पावर 2 थी और एक स्क्वायर से एक करनी कट जाती है, एक अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर से बचेगा क्या 7, तो आ जाएगा बाहर, ये वाला 7 आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या यहाँ पे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और ये भी कहां तक, इनफिनाइट तक। तो मित्रों अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो ये जो है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू खुद किसकी है, x की वैल्यू है। आप अगर यहां से देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू। तो हम इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, x से लिख सकते हैं। तो यहां हमारे पास दिया है कि x स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू इसकी जगह आ जाएगा x, तो आप एक स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x का मान 7, मतलब बेसिकली अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ऐसे कुछ आ रहा होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हमारा बेसिक। तो मित्रों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला टाइप क्या होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसी का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आए तो टफ क्वेश्चन क्या आ सकता है, हम उसको डिस्कस करते हैं कि यदि आपको दिया हो 7 यहां 5 7 5 और ये सीरीज आपको दे दी पूरी इनफिनाइट तक 7 5 7 5 7 5, हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को हमने मान ली किसके इक्वल, x के इक्वल। आप बेसिक समझिएगा, इसको पूरे x के इक्वल मान ली, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये पूरे x के इक्वल हो गई। क्या करेंगे फिर से, अगेन डू द स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर से। जब यहां वर्ग कर रहे होंगे हम इस पूरे पक्षों का, जब इसका पूरा वर्ग कर रहे होंगे, तो यहां वर्ग से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहां बच के जाएगा 7, यहां आपका अंदर कुछ बच रहा होगा 5 7 5 7, ये भी कहां तक है, इनफिनाइट तक। अब हम क्या करते हैं, हमने ये तो कर लिया पर हम यहाँ x की वैल्यू अभी नहीं रख सकते, क्योंकि जो x का मान है ये कुछ ऐसा है, तो हम क्या करते हैं एक बार और वर्ग करते कर देते हैं। यदि दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि x की पावर पहले से तो 2 था, अब इसकी पावर फिर से कितनी हो जाएगी 2 इक्वल टू, हम इधर अगर देखें इसको तो ऐसा कुछ हो रहा होगा 7 का 7। अब अगर दोनों पक्षों का जब वर्ग करा होगा तो इसका जब वर्ग होगा तो आप देखेंगे कि 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 से ये वाली करनी कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां बाहर क्या जाएगा 5, और अंदर अभी बच जा रहा होगा क्या 7 अंडररूट 5 7 अंडररूट 5 और ये भी कहां तक है, इनफिनाइट तक है। मित्रों राइटिंग पे ना जाइएगा, हम यहां देखें तो हम एक चीज आप बता दें कि जब अगर कोष्टक लगा हो, जब क्या लगा हो, कोष्टक लगा हो और पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स की पावर कितना आ जाएगा 4।
आगे सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा कितना 49 इंटू 5 करोगे तो 49 इंटू 5 अगर आप करोगे तो यह जाएगा 245 कितना जाएगा 245 क्योंकि 150 पंचे हो जाता है 250 और 250 में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे 245 तो एक्स डी पावर 4 की वैल्यू अगर इतनी आ रही है तो हमें आंसर चाहिए। यदि आप इस पावर का पक्षांतर करें तो ऐसा कुछ हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ लग जाएगी अंडर रूट यहाँ जाएगा 245 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4 जो कि आपने पक्षांतर किया। तो मित्रों ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है इसी टाइप से क्वेश्चन और देखते हैं और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार और क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जो कि एसएससी में नॉर्मली अधिकतर पूछा जाता है जहां यदि कैलकुलेशन की बात आती है तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आपको सपोज गिवन है यहां पे ए और क्यूब रूट बी दे देते हैं ए क्यूब रूट बी और ये यदि सीरीज हो इनफिनाइट तक सीरीज कहां तक हो इनफिनाइट तक और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है इस पूरे मान की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करिए इसे x के इक्वल मान लीजिए। जब इसको x के इक्वल मानोगे तो हमको काटना है ये वाला एक तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जो डू द स्क्वायर बोथ साइड जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा x के स्क्वायर इक्वल टू जब दोनों पक्षों का वर्ग करा तो ये कैंसिल आउट हुई ये वाली अंडर रूट तो यहां बच जाएगा a और यहां बच जा रहा है क्यूब रूट बी यहां जाएगा ए फिर आ जाएगा क्यूब रूट बी और यह है इनफिनिट तक सीरीज। अब क्या करेंगे हमको ये वाली अंडर रूट हटानी है तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों की घात ठीक है दोनों पक्षों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर 3 करेंगे तब ये हमारा क्यूब रूट कटेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों की पावर अगर हम 3 कर दे तो यहाँ पावर ऑलरेडी 2 है और पावर अब कितनी हो जाएगी 3 इक्वल टू यहाँ हमारे पास ए क्या है ए और जब दोनों पक्षों की घात 3 करी होगी तो यहाँ भी पावर कितनी हो जाएगी 3 और जब पावर 3 करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा इनटू बी आ जाएगा परंतु ये सारी सिचुएशन सेम रहेगी तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या ए क्यूब रूट बी ए और क्यूब रूट बी और ये सीरीज कहां तक हो जाएगी इनफिनिट तक। अब आप देखोगे कि ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ये वाली ये वैल्यू किसके इक्वल है तो आप देखोगे हमने इस पूरी वैल्यू को किसके माना था एक्स के इक्वल माना था मतलब इस पूरे की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ देखोगे तो पावर के ऊपर पावर है पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स डी पावर 3 इंटू और 2 इंटू 3 हो जाएगा कितना 6 इक्वल टू यहाँ है ए डी पावर 3 इंटू बी और ये पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं एक्स तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स डी पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा ए डी पावर 3 बी जब पावर 5 का पक्षांतर करोगे तो यहां लग जाएगी रूट और ये जो 5 है वो आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ जाएगा ए डी पावर 3 और ये आ जाएगा बी फ्रेंड ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये कुछ इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि टफ लेवल में गिना जाता है इन क्वेश्चनों को। तो आप इस क्वेश्चन को दो क्वेश्चन हमने समझे हैं इन क्वेश्चनों को एक दो बार और रिपीट कीजिए और जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मित्रों अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको बहुत डाउट क्रिएट करते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7089088534 आप इस नंबर पे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो के माध्यम से यदि वो क्वेश्चन अच्छा होता है तो मैं वीडियो बना दूँ उसका या यदि वो क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल यदि क्वेश्चन हो तो मैं आपको उसको व्हाट्सएप पे ही सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप इसमें कोई भी डाउट सेंड कर सकते हैं। तो आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो हुआ हमारा एक फर्स्ट टाइप। यदि सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हो ठीक है टाइप नंबर थर्ड देख रहे हैं हम टाइप नंबर फर्स्ट हमने देखा टाइप नंबर सेकंड देखा मतलब टाइप नंबर फर्स्ट ये देखा कि 7 7 7 और ये अगर इन्फिनिट तक दिया हो तो इसका आंसर हो जाएगा खुद 7 सारे बेस एक जैसे हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड टाइप हमने ये देखा कि यदि आप इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हो यहाँ 3 यहाँ सॉरी यहाँ ले लेते हैं ए यहाँ ले लेते हैं बी ये हो जाएगा 3 ए और ये आ जाएगा बी और ये सीरीज हो जाएगी इन्फिनिट तक। और मित्रों मैं आपको एक नॉर्मल एक ट्रिक बता देता हूँ किसका अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो आंसर क्या आएगा आप चीजें समझिएगा कि एक बार तो पावर यहाँ 3 होने वाली है और एक बार पावर 2 होने वाली है। अब समझिए इन चीजों को अगर डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार तो यहाँ पावर 3 करोगे तब ये वाला क्यूब रूट कैंसिल होगा
एक बार स्क्वायर करोगे तब ये वाला कैंसिल होगा, तो हमने यहाँ पावर 2 लगा दी। मतलब अगर हम डायरेक्टली देखे तो पावर 3 दुनी कितना जाएगा 6, 3 इंटू 2 आ जा रहा है 6 इक्वल टू। यहाँ जब हमने क्यूब किया होगा तब ये अंडर रूट कैंसिल हुआ होगा और यहाँ आया होगा बाहर a, परंतु जब आप दोनों पक्षों का जब वर्ग कर रहे होंगे ये वाले अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ वर्ग लग जा रहा होगा और यहाँ जा रहा होगा b। अब ये जो पार्ट बच रहा होगा इसकी जगह आप लिख दोगे x, और आप इस एक x को एक से काटोगे तो यहाँ बच जाएगी पावर कितनी 5, और यहाँ पावर अगर 5 बच रही है तो पक्षांतर करोगे तो यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा ए स्क्वायर बी। ये आपका हो जाएगा आंसर, आप सॉल्व करके देखिएगा इतना ही आंसर आएगा। तो हमने दो प्रकार के क्वेश्चन देखे, एक अगला इसी का क्वेश्चन देखते हैं पार्ट टाइप नंबर थर्ड। और टाइप नंबर थर्ड में हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं कि सपोज आपको दिया हो 7, 7 और 7 और आपसे पूछ रहा हो इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर निकालना सिखा दूं कि आंसर आप कैसे निकालोगे इसका। तो अंडर रूट सेवन आप यहाँ इन्फिनाइट तक नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट आप ये नहीं बोल सकते कि इसका आंसर 7 होगा, परंतु हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जब आप देखोगे तो सारे के बेस सेम है, सेम बेस है, यहाँ बेस अलग अलग नहीं है। तो आप क्या करिएगा कि बेस जो है बेस का आपने बेस लिख दिया, आप क्या करिए इसकी पावर लगा दो 2 - 1 और डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा जो वैल्यू लिखा हुआ है ये पावर में लिखा हुआ है 7 की, तो 7 की पावर में हमने क्या लिख देना है हमेशा 2 - 1 / 2। और आप करिए क्या, यहाँ काउंट कर लीजिए कि आपका जो 7 है वो कितने टाइम्स आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 7 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप इस 2 की पावर भी 3 कर दो, इस 2 की पावर भी 3 कर दो, तो आप देखेंगे कि आंसर आपका आ रहा होगा 7 की पावर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 और 8 - 1 आ जाएगा 7, तो 7 की पावर 7 / 8 ये आपका हो जाएगा। नॉर्मली आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सपोज अगर हम बोल दें कि यहाँ 13 और 13 और ये कितने टाइम है 4 टाइम है। फ्रेंड राइटिंग पे ना जाइएगा, फर्स्ट टाइम पैड यूज किया जा रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपको कितने बार दिया है 13, अगर आप देखोगे तो 13 दिया है 4 टाइम। तो हमने ये बोला कि आप जो बेस है वो तो बेस वही लिखोगे, मतलब बेस है आपका 13 और आप पावर क्या कर दीजिए 2 - 1 करिए और इसके अपॉन में 2 करिए। आप देखोगे तो 13 कितने टाइम्स आ रहा है तो 4 टाइम्स आ रहा है, तो 13 4 टाइम्स आ रहा है। आप इस 2 की पावर दोनों साइड क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, और दोनों साइड आप यदि पावर अंश में और हर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह अगर पावर आप 4 कर दोगे तो आप देखोगे कि 13 2 की पावर 4 हो जाएगा कितना 16 और 16 - 1 करोगे तो यह जा रहा होगा 15, तो 15 / कितना हो जाएगा 16। तो फ्रेंड इन क्वेश्चनों को कुछ ऐसा सॉल्व किया जा सकता है जब इनफिनाइट तक ना हो। अब हम ये देखते हैं कि इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब हम अगर इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कैसे हुआ है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। सपोज आपको दे दिया 5 और दे दिया 5, अगर आप देखो तो इसका आंसर आ रहा होगा 5 की पावर, हमने बोला 2 - 1 / 2 और पूरे दी पावर 5 आ रहा है 2 टाइम्स, तो इसमें पावर 2 कर दोगे तो हम बोल सकते हैं 5 की पावर आ जाएगा 3/4। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। बेसिक अगर हम करना चाहें तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 5 का तो 5 होगा इनटू, जब अगर इस अंडर रूट को आप हटाओगे तो अंडर रूट का मतलब होता है, अभी हम अगला चैप्टर एक और डाल देंगे, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, स्क्वायर एंड रूट, उसमें हम इन चीजों का और बेसिक बता देंगे कि इस अंडर रूट का मतलब 1/2 क्यों होता है, पावर में क्यों चला जाता है, तो हम उसको एक अगले चैप्टर में डिस्कस कर देंगे अलग से। तो जब अगर हम ये अंडर रूट हटाएं तो हम बोल सकते हैं इसकी पावर आ जाएगी 1/2 और किसी राशि की पावर कुछ ना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि पावर 1 होती है। ये बेसिक है उसका कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और आगे सॉल्व करोगे तो 5 का तो 5 आ जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 1/3 है, तो हम क्या करते हैं कि जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, तो घाते जुड़ जाती है, मतलब 1 + 1/3 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करोगे तो हम ये बोल सकते हैं 5 की पावर, तो यहाँ 1/3 कितना हो जाएगा, ये 2 है, सॉरी है ना, 2 हो जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो 2 एकम 2 रे कितना 3, तो पावर हो जाएगी 3/2। और आगे सॉल्व करेंगे, अब अगर हम ये अंडर रूट हटाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3/2 और पूरे दी पावर अगर आप ये फॉर हटा रहे हो अंडर रूट, तो यहाँ जाएगा 1/2। और आगे सॉल्व करोगे तो पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आंसर इसका आ जाएगा 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आ जाएगा 4। मतलब इसका आंसर हम यहाँ देख रहे हैं तो आंसर हमारा आ रहा है 3/4 और आंसर यहाँ भी कितना है 3/4। मतलब इसका ऐसा कुछ बेसिकली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो आज हमने इतना कुछ सीखा, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, उस
बहुत रोचक तथ्यों के साथ कि हम चीजों को कैसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है घातांक करने की, ये इस सीरीज के माध्यम से आपको वो सारी चीजें कवर करा दी जाएगी जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछी जाती है और आपको इसमें बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश करिए कि आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके बाद हम इससे और ऊपर के हाई लेवल